वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12th इंग्लिश के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 इयर्स में जो पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा सीबीएसई के साथ साथ ये वीडियो जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी है, हर सब के लिए है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है द लास्ट लेसन चैप्टर से। What was the mood in the classroom when M. Hamal gave his last French lesson? जब M. Hamal ने अपना आखिरी लेसन पढ़ाया तो क्लास का क्या मूड हो गया? The mood in the classroom was emotional. सब लोग क्या हो गए? Emotional हो गए। बस मैंने एक वर्ड जोड़ा है, when M. Hamal gave his last French lesson. When M. Hamal announced that it was their last French class, जब M. Hamal ने ये वाली बात बताई कि उन लोगों की यह आखिरी क्लास होने वाली है, everyone developed पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर देयर नेटिव लैंग्वेज, और हर किसी को और ज्यादा प्यार हो गया अपनी नेटिव यानी लैंग्वेज से। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, चिल्ड्रन 2012 में भी पूछा गया है। अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया गया, इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर, और एक ऑर्डर जो आए थे बर्लिन से उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, और वो ऑर्डर क्या थे? Which declared that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और उस order के हिसाब से अब German language पढ़ाई जाएगी कहाँ पे? Alsace में और Lorraine में, अब से French language नहीं पढ़ाई जाएगी। Next, how did friends react to the declaration that it was their last French class? Children, हर बार पूछा जाता है, 2013 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया जब फ्रेंच को पता चला कि भाई ये उसकी आखिरी क्लास होने वाली है फ्रेंच वाली? When M. Hamal declared that it was their last class, last French lesson, French got disappointed. जैसे ही M. Hamal ने बताया कि ये उन सबकी लास्ट क्लास होने वाली है तो फ्रेंच जो है डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया। फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने खुद अपने आप से, एज ही हैड स्टिल नॉट लर्नड हिज ओन नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि अभी तक उसने अपनी खुद की ही लैंग्वेज नहीं सीखी थी। He felt sorry for skipping his class. आज उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत सारी क्लासेस बंक की थी, छोड़ दी थी। He also felt an emotional attachment with M. Hamal like other villagers. और जैसा कि दूसरे villagers को एक सिंपथी हो रही थी, अटैचमेंट हो रहा था M. Hamal से, क्योंकि उनका आखिरी दिन था, वो जा रहे थे, तो सेम फ्रेंच को फील होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पिक कर रहे हैं चिल्ड्रन, द थर्ड लेवल। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो चार्ली है, जो कि इस चैप्टर का नरेटर भी है, वो थर्ड लेवल को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे कैसे डिस्क्राइब करता है? चार्ली सेज दैट द रूम्स ऑन द थर्ड लेवल वर स्मॉलर, वो कहता है जो रूम्स बने हुए थे थोड़े छोटे थे, देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल, सेकंड लेवल से छोटे थे। देयर वर लेस टिकट विंडोज, और जो विंडोज टिकट थी जहां पे टिकट मिलती है वो भी कम थी। ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ वर मेड ऑफ वुड, और जो ट्रेन के जो गेट थे और इंफॉर्मेशन बूथ थे वो भी लकड़ी के बने हुए थे, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने स्टाइल के बने हुए थे। एवरीवन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस, और सब ने जो भी स्टेशन पे थे लोग सब ने 19th सेंचुरी वाले स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर, क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ली ने को सैम के बारे में क्या पता चला, ठीक है, उस स्टाम्प से और कॉइन से। फ्रॉम द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो स्टाम्प से और कॉइन स्टोर से चार्ली को यह पता चलता है कि उसके दोस्त सैम ने ना पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी है वर्थ $800, कितने? $800 की। This money was sufficient to start business in Galesburg. और इतना पैसा काफी था Galesburg में business start करने के लिए। Next, why did the booking clerk refuse to accept the money? 2010 में भी पूछा गया है। Booking clerk ने मना क्यों कर दिया वो पैसे लेने के लिए? The booking clerk refuses to accept the money because the notes Charlie had given him were of old style. क्योंकि वो पुरानी करेंसी के नोट दिए थे उसने, इसलिए उसने वो मना कर दिया लेने से। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन द टाइगर किंग। क्वेश्चन है, व्हेन एंड व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज, कब और क्यों महाराज ने ये डिसाइड किया कि अब वो शादी करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में।
द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड दस द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। महाराज ऑलरेडी 70 टाइगर्स को मार चुके थे अपने किंगडम में, जिस वजह से वहां पे जितने भी टाइगर्स थे वो एक्सटेंट यानी खत्म हो गए थे। इट वॉज देन डिसाइडेड सॉरी एंड डिसाइडेड इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे, ऐसी प्रिंसेस से जिसके स्टेट में, मतलब जिसके फादर के किंगडम में, विच हैड अ लार्जर टाइगर पॉपुलेशन, जहां पे ज्यादा टाइगर होंगे, तो ताकि वो वहां पे शिकार कर पाए। व्हाई डिड द महाराजा बैन द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट? क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज ने अपने स्टेट में, अपने किंगडम में टाइगर हंटिंग पे बैन क्यों लगा दिया था? द महाराजा बैंड द टाइगर हंटिंग इन द स्टेट बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो उन्होंने एक बैन लगा दिया कि भाई अब वहां पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता टाइगर का उनके अलावा। बिकॉज ही हैड टू किल 100 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे। सो दैट ही कुड प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन रॉन्ग, ताकि वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो भविष्य बताते हैं, उनकी जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन पूछा गया है 2014 में, व्हाई डिड महाराजा ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स? महाराज ने अपना जो मंत्री होता है, दीवान होता है, उसको ये क्यों आदेश दे दिया कि जो टैक्स है वो डबल कर दो? व्हेन महाराजा वाज अनेबल टू फाइंड द 100 टाइगर टू किल। अब हुआ ये कि महाराज ने 99 टाइगर्स तो मार दिए थे, लेकिन 100वां टाइगर मिल ही नहीं रहा था। He was damn angry. तो इससे महाराज बहुत गुस्सा हो गए and he ordered the divan to double the land tax. ताकि लोगों को भी पता चले कि महाराज गुस्से में है, कैसे भी 100 टाइगर अब अरेंज करो। How did महाराज please a high ranking British official? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अब हुआ ये, the महाराजा had annoyed a high ranking British official by refusing him permission to the hunt. अब महाराज ने गुस्सा दिला दिया था एक high ranking ब्रिटिश ऑफिशियल को। आपको पता है इंडिया पे रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो अब महाराज जाहिर सी बात उससे पंगा भी नहीं ले सकते थे, लेकिन महाराज उसको अलाउ भी नहीं कर सकते थे हंट करने के लिए। लेटर टू मेक हिम हैप्पी ही सेंट अबाउट 50 सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स। उसे खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, 50 डायमंड रिंग्स का एक सेट भेज देते हैं, और उनको लगा था कि उसकी जो वाइफ है वो उसमें से एक चूज रख कर लेगी, लेकिन उसने वो सारी की सारी रख ली थी। तो इस तरह से वो उसको खुश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन पूछा गया है 2012-10 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल्स मेकर्स आर कॉट इन अ विशीशियस वेब? ऑथर ये क्यों कहती हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं, वो लोगों के जाल में फंस जाते हैं, विशीशियस वेब में फंस जाते हैं। द ऑथर सेज दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन विशीशियस वेब, पूरा क्वेश्चन से, एज दे फॉल इनटू द विशीशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन एंड द पुलिस। कहने का मतलब यह है, ऑथर ये कह रही है कि भाई यहाँ पे चूड़ी बनी और यहाँ पे हम लोगों ने खरीदी, लेकिन इसके बीच में साहूकार आ गया, पुलिस वाले आ गए, मिडिलमैन आ गए, तो जितना भी जो कमीशन होता है यही लोग खा जाते हैं और बेचारों को इनको कुछ भी नहीं मिलता। व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर? तो पोएट राइटर क्या कह रही है जब वो ये कहती है कि अब वो जो साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। चिल्ड्रन क्वेश्चन आया है 2011। साहिब नाउ वर्क्स इन अ टी स्टॉल, अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है। ही इज नॉट फ्री बॉय नाउ, अब वो फ्री नहीं है। नाउ ही हैज टू फॉलो हिज मास्टर्स इंस्ट्रक्शन, अब उसको अपने मालिक के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अर्लियर व्हेन ही वाज अ रैग पिकर ही वाज मास्टर ऑफ हिज विल, पहले जब वो इंडिपेंडेंटली कूड़ा बीनता था, रैग पिकर था, तो उसका मन करेगा तब वो काम करेगा, जब मन नहीं करेगा। बट नाउ ही इज अ सर्वेंट ऑफ अ टी स्टॉल ओनर, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से नौकर है उस चाय वाले की दुकान का। हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम? चिल्ड्रन 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर इन अ ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, चाइल्ड लेबर है, बच्चा है, और ग्लास फैक्ट्री में बैंगल्स बनाता है। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, लेकिन वो बैंगल्स इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, वो मैकेनिक बनना चाहता है। He desires to go to a garage and get the required training for his. तो वो चाहता है कि वो गैराज में जाए और काम सीखे किस तरह से गाड़ियों को ठीक किया जाता है। Next, is साहिब happy working at the tea store?
why और why not? 2012 में पूछा गया है. No, साहिब is not happy. साहिब खुश नहीं है working at the tea stall. Even though he now gets a fixed income of 800 rupees along with his meals. हालांकि उसको 800 रुपए बंधे हुए मिलते हैं और तीनों टाइम का खाना भी मिलता है, फिर भी वो खुश नहीं है. He has lost his freedom. क्योंकि उसकी जो freedom थी अब वो चली गई है. पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, अब यहाँ पे वो नौकर है. नेक्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन आपका डीप वॉटर. क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में. When Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? जब से ही डगलस ये रियलाइज करते हैं कि वो पानी में डूब रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया. When Douglas realized that he was sinking, he was frightened. वो डर गए. It was then he decided. तब उन्होंने decide किया to make a big jump. कि वो जैसे ही surface पे जाएंगे, एकदम ऊपर की तरफ झटके से jump करेंगे. And come up to the surface. और surface पे आ जाएंगे. Children, अभी तक यार इस video को एक like नहीं किया ना, तो please यार एक like कर देना. Please channel को subscribe कर देना. आपके एक like से, एक subscribe से बहुत motivation मिलता है children. So I hope आप मेरा motivation भी बढ़ाएंगे इस video को like करके, channel को subscribe करके. इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लोगे चिल्ड्रन, तो इसमें आपका भी फायदा है. क्योंकि मैं आने वाले टाइम में सारे के सारे चैप्टर्स, सारे जो सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले. व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली 2012 में भी आया है. जो डगलस थे, जो उनका पानी वाला जो डर था, उसके ऊपर जीत क्यों पाना चाहते थे. Douglas was determined to overcome his fear of water. ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही उतारी है. Because this phobia had ruined his fishing trip. Phobia मतलब होता है डर. इस डर की वजह से उनके दोस्त जो फिशिंग ट्रिप पे जाते थे, मतलब मछली पकड़ने, वहां पे भी वो नहीं जा पाते थे. Moreover, he had also never been able to enjoy water sports. अब आप वाटर पार्क जाते हो, कैनोइंग होती है, एक छोटी सी बोट होती है, उसमें एक ही पर्सन बैठ सकता है यहाँ पे बीच में, है ना. उसमें भी नहीं जा सकते थे, बोटिंग के लिए नहीं जा सकते थे, स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते थे. तो मतलब पानी का फोबिया इतना हो गया था कि पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे थे. व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. अपने इस डर के ऊपर जीत पाने के लिए उन्होंने कौन कौन से एफर्ट्स लगाए. क्वेश्चन 2012 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Douglas was determined to get over his fear of water. वो determined, उन्होंने ठान लिया कि भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा. He hired a professional instructor. उन्होंने एक swimming सिखाने वाला जो teacher था, instructor था, उसको hire कर लिया. Who understood the intensity of his fear. और वो teacher भी बहुत अच्छा था. वो समझ गया कि intensity मतलब किस हद तक वो डरे हुए थे पानी से. And decided not just teach him how to swim. और उसने ना केवल उनको तैरना सिखाया, बट बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ हिम. इतना जबरदस्त स्विमर बना दिया कि अब वो अच्छी अच्छी लेक में भी, बड़ी बड़ी लेक में भी तैर पाते थे. नेक्स्ट चिल्ड्रन हम चैप्टर जो ले रहे हैं वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसका क्वेश्चन देखेंगे. हाउ कैन अ विजिट टू द अंटार्कटिका कैन बी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस. क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया है. कह रहा है कि भाई अगर अंटार्कटिका का जो विजिट है वो आपको एनलाइटनिंग का मतलब होता है नॉलेजफुल, knowledgeable, आपको बहुत सारी knowledge दे सकता है. कैसे? By visiting the Antarctica, we can understand the Earth's past, present and future. अगर हम Antarctica visit करते हैं तो हम Earth का past, present और future समझ सकते हैं. A visit there can teach the next generation to understand and value our planet. जो आने वाली generation है, अगर वो यहाँ पे visit करेगी, तो वो हम समझ सकते हैं कि हमारे इस planet, हमारे धरती माँ की क्या value है. अंटार्कटिका विल हेल्प अस टू हेल्प स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस बाय ग्लोबल वार्मिंग, है ना. अंटार्कटिका हमारी हेल्प करेगा ग्लोबल वार्मिंग को और अच्छे तरह से समझने में. चिल्ड्रन आपने 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग, कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं. तो अंटार्कटिका में जो बर्फ है, जो हमेशा बर्फ रहती थी, वो भी अब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है. तो अगर हम वहां पर विजिट करेंगे तो हमको एक नॉलेज मिलेगी किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को, धरती माँ को, प्लेनेट अर्थ को डिटोरिएट यानी खराब कर रहे हैं. Why is a visit to Antarctica important to realize the effect of global warming? देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ जाएगा, 2008 में पूछा गया. जो विजिट है अंटार्कटिका का वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट. अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज.
अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखना है तो अंटार्कटिका बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए। इट इज हियर दैट वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स, और यहीं पे आके लोग पिघलते हुए ग्लेशियर्स को देख सकते हैं। दिस इज लाइकली टू रेज द वाटर लेवल्स इन द सी। भाई अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी यहाँ बन जाएगा, और पानी बन जाएगा तो फिर जो वाटर का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। एंड द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच मे लो लाइंग रीजन्स विल बी सबमर्ज इन वाटर। अब जो लो लाइंग रीजन है, जो नीचे की तरफ है, वो तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे ना, ऐसे शहर, ऐसे कंट्रीज। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द आइस प्रोग्राम? 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स का जो आइस प्रोग्राम में गए थे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हाई स्कूल्स वाले स्टूडेंट हैं उनको वर्ल्ड की लिमिट समझाई जाए, एंड ऑल्सो इनेबल दैम टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट आर प्लेनेट। और उनको ये भी वैल्यू उनमें इनकलकेट की जाए कि वो हमारे जो प्लेनेट है उसकी रेस्पेक्ट करें, उसको समझें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें। नेक्स्ट चैप्टर है द एनिमी। इन वॉट कंडीशन वॉज द अमेरिकन सेलर वेन डॉक्टर सदाव फाउंड हिम? चिल्ड्रन 2013 में भी आया है। जब डॉक्टर सदाव को वो अमेरिकन पर्सन मिला था वो किस कंडीशन में था? व्हेन डॉक्टर सदाव फाउंड द अमेरिकन सेलर ही वाज बैडली वाउंडेड। वो बहुत बुरी तरह से घायल था, एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मींस वो बेहोश था। ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रेशली व्हेन डॉक्टर सदाव टच्ड हिज वाउंड। और जैसे ही उन्होंने उसके घाव को छुआ उसमें से फ्रेश ब्लड बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द सेलर्स लोअर बैक डॉक्टर सदाव सॉ द गन वाउंड। मतलब उसको एक गोली भी लगी हुई थी, उसका भी एक घाव उसके राइट साइड पे था। Who sent a messenger to Dr. Sadao? What for? Children question 2012 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाओ के पास मैसेंजर किसने भेजा था और क्यों भेजा था? The old general sent a messenger to Dr. Sadao. जो ओल्ड जनरल था उसने मैसेंजर भेजा था डॉक्टर सदाओ के पास टू इन्फॉर्म हिम द जनरल वॉज इन पेन अगेन एंड नीडेड डॉक्टर सदाओ। एक्चुअली जो जनरल था ये बहुत हाई रैंक ऑफिसर था, ये केवल डॉक्टर सदाओ पे ही विश्वास करता था अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो उसने अपना एक नौकर, एक सर्वेंट भेज दिया कि जाओ डॉक्टर सदाओ को इन्फॉर्म करो कि भैया मेरी हालत खराब हो रही है और उनको बुलाओ। द जनरल प्रेफर टू बी ट्रीटेड बाई डॉक्टर सदाओ ओनली। और जनरल जो है हमेशा प्रेफर करता था कि अपना ट्रीटमेंट किससे करवाए, डॉक्टर सदाओ से। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ प्लान द अमेरिकन प्रिजनर एस्केप? अब वो जो पर्सन उनके यहाँ आया था, जो घायल था, जिसका इलाज करके उसको सही कर दिया था, उसको उन्होंने कैसे बचाया और एस्केप का मतलब है भागने में कैसे मदद की, 2011 में आया है। डॉक्टर सदाओ मेड अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिजनर सेफ एस्केप। डॉक्टर सदाओ ने पूरी अरेंजमेंट कर दी कि वो किसी भी तरह से चुपचाप वहां से भाग जाए। द प्रिजनर वॉज मेड टू रो टू अ नियर बाय आईलैंड वेयर नो वन लिव्ड। उसको एक छोटी सी नाव दे दी और उससे वो धीरे धीरे रो करता हुआ चलाते हुए एक पास के आईलैंड में पहुंच गया जहां पे कोई नहीं रहता था। All the necessary things were given. अब खाने पीने की और वैसी पट्टी वट्टी और दवाई वगैरह सब उसको दे दिया गया। He was told to signal two flashes if he ran out of food. और उससे कह दिया भाई जो उसको लाइट दी थी, दो बार फ्लैश करना, वो सिग्नल होगा कि तुम्हारे पास खाना नहीं है तो हम खाना भेज देंगे। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने उसकी हर तरह से हेल्प की थी। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन द रेड ट्रैप। क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why did the peddler think that the world was a rat trap? जो पेडलर था, जो रेट ट्रैप बेचता था, रेट ट्रैप मतलब चूहेदानी, उसको ये क्यों लगता था ये संसार भी एक रेट ट्रैप है? The peddler considered the whole world as a big rat trap. जो पेडलर है, चूहेदानी बेचने वाला, वो इस पूरे संसार को रेट ट्रैप ही समझता था। Just like a rat, people of this world also get trapped in the name of materialistic thing. जिस तरह से एक चूहा रोटी के लालच में उसके अंदर फंस जाता है, उसी तरह से यहाँ का इंसान भी धन दौलत मकान दुकान इसके चक्कर में फंस जाता है, सांसारिक चीजों में। Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? Children 2010 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडला खुश क्यों थी वो गिफ्ट देख के जो पेडलर ने उसके लिए छोड़ा था? एडला वॉज हैप्पी टू सी दैट द पेडलर हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग फ्रॉम हर होम। एडला ये देख के खुश थी कि पेडलर ने उसके घर से कुछ भी नहीं चुराया है। In fact, peddler left a gift for her. यहाँ तक कि पेडलर ने उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ा है। Adela was happy for the reason that the peddler did not break her trust in him.
और एडला ये भी सोच के खुश थी कि वो जानती थी कि वो एक चोर है, उसने पहले चोरी की है, लेकिन उसको अच्छा ये लगा कि फाइनली वो बदल गया है और उसने चोरी नहीं की और उसने जो एडला का जो ट्रस्ट है ना वो भी नहीं तोड़ा। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? Crofter कौन है चिल्ड्रन? एक पुअर फार्मर है जिसके पास केवल एक काउ थी, है ना, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिसका दूध बेच के वो अपने जीवन यापन करता था। तो वो इतना खुश क्यों हुआ जब वो पेडलर से मिला और क्यों इतनी बातचीत कर रहा था? The crofter was lonely. वो अकेला रहता था। He lived alone in his cottage without a wife, child or any companion. वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में, छोटी सी कुटिया में, ना बिना वाइफ के, बिना बच्चों के, बिना किसी साथी के रहता था। Since he suffered from loneliness, he was extremely happy when he got the peddler's company. क्योंकि वो अकेला रहता था तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसे किसी की कंपनी मिली कि चलो यार एक दो दिन किसी के साथ रहने को मौका मिलेगा, बातचीत करेंगे। दैट इज वाई ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। इसीलिए वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव था और फ्रेंडली भी था पेडलर के साथ। वॉट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? वो पेडलर जो चोरी करने लग गया था, बुरे काम करने लग गया था, किस तरह से वो एक बदल गया, उसने अपने पुराने धंधे छोड़ दिए। चिल्ड्रन 2011 में आया। द पेडलर वॉज इम्प्रेस्ड बाय एडलास काइंड ट्रीटमेंट। जो एडला थी उसने जब बहुत प्यार से उसके साथ बिहेव किया, उसको सारा सम्मान दिया, अपने घर में ठहरवाया, तो इसका बड़ा असर पड़ा उस पर, बड़ा इंप्रेस हुआ। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियल आइडेंटिटी। हालांकि वो जानती थी कि इसकी असली सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी एडला ने उसको एक कैप्टन की तरह सम्मान किया, उसको रेस्पेक्ट किया। दिस अवेकन्ड द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट। और इसी वजह से उसके अंदर जो दिल में अच्छाई जग गई। बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो एडला ही वॉज वर्दी ऑफ द ऑनर। और वो भी एडला को ये दिखाना चाहता था कि तुमने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, तुमने जो मेरा रेस्पेक्ट किया है, मैं उसके लायक हूं, है ना। तो इसीलिए सो ही फाइनली चेंज हिज वेज। इसलिए उसने जो चोरी चकारी और ये सब करता था वो सब छोड़ दिया। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टू हिम? क्वेश्चन 2009 में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी थी जो डेरी को अट्रैक्ट करती है? मिस्टर लैम गिव्स कॉन्फिडेंस टू डेरी। मिस्टर लैम कॉन्फिडेंस देते हैं डेरी को एंड एनकरेजेस हिम टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और उसको एनकरेज करते हैं कि तुम लाइफ को ना पॉजिटिवली लो। डेरीज लाइफ नाउ हैज अ न्यू मीनिंग एंड पर्पस। तो उनकी बातों से वो इतना इम्प्रेस होता है कि उसकी जो एक कॉन्फिडेंस है वो लौट आता है, उसका एक नया पर्पस मिल जाता है लाइफ में। एंड फॉर दिस ऑल द क्रेडिट गोज टू मिस्टर लैम मोटिवेशन। और इन्हीं इन सबका जो मोटिवेशन है, इस सबका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? मिस्टर लैम को। इसीलिए वो उनसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। What did Derry's mother think of Mr. Lamb? Mr. Lamb के बारे में डेरी की मदर का क्या सोचना है? Children 2009 में आया है। Derry's mother had heard that Mr. Lamb was not a good person. डेरी की मम्मी ने दूसरे लोगों से ये सुन रखा था कि मिस्टर लैम जो है अच्छे इंसान नहीं है। So she persuades Derry not to go to. तो इसलिए वो उसको समझाती है बेटा उनके पास मत जाओ, वो अच्छे इंसान नहीं है। But Derry does not listen to his mother and once again goes back to Mr. Lamb. लेकिन जो डेरी है वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता और मिस्टर लैम के पास वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, व्हाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन? 2011 में आया है। जो मिस्टर लैम है वो अपने घर का जो मेन गेट है वो हमेशा खुला क्यों रखते हैं? मिस्टर लैम ऑलवेज कीप्स हिज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज हाउस। क्योंकि वो किसी को भी रोकते नहीं है, वो सबका वेलकम करते हैं, तो इसलिए वो कभी भी अपना गेट बंद नहीं रखते। He is an extremely social person. वो सामाजिक person है जिसको लोगों से घुलना मिलना पसंद है। And is ever ready to welcome anyone who enters his garden. और उनका जो बड़ा सा garden है, वो उसका भी gate हमेशा खुला रखते हैं। वो कहते हैं आओ, सब लोगों का मेरे यहाँ welcome है। How does Mr. Lamb keep himself busy when it is bit cool? जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो वो अपने आप को कैसे बिजी रखते हैं? Children 2012 में आया है, बहुत important question है। When it gets a bit cool, Mr. Lamb pulls down the ripe apples from the trees with the help of a ladder. जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, ज्यादा लोग उनसे मिलने नहीं आते, तो वो क्या करते हैं? एक ladder मतलब सीढ़ी की help से जो पके हुए apples हैं, उनको तोड़ते हैं। He then makes jelly from them to distribute children. और फिर उन फलों से क्या बनाते हैं? उन fruit से jelly बनाते हैं बच्चों को free में देने के लिए। In such a way he keeps himself busy. और इस तरह से वो अपने आप को busy रखते हैं। What peculiar things does Derry notice about the old man Lamb?
क्या अजीब सी चीज वो नोटिस करता है डेरी लैम के बारे में. 2012 में आया चिल्ड्रन ये क्वेश्चन. डेरी नोटिसेस दैट ऑल्दो मिस्टर लैम टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स ही हैज नॉट सीन एनीवन विजिटिंग द ओल्ड. डेरी ये देखते हैं, डेरी ये नोटिस करता है कि वैसे तो ये अपने दोस्तों के बारे में बातें करते रहते हैं पर यार आज तक इनका कोई दोस्त आया तो है नहीं. हु लिव्स ऑल बाय हिमसेल्फ, ये तो बेचारे अकेले रहते हैं. इवन व्हेन ही आस्क्स मिस्टर लैम टू नेम हिज फ्रेंड्स, मिस्टर लैम फेल्स टू गिव हिम एनी नेम. तो जब डेरी पूछता है कि चलो अपने दोस्तों के नाम बताना, तो वो एक भी नाम नहीं बता पाते. देयर आर नो कर्टेन्स एट द विंडोज, उनके जो खिड़कियां हैं उनके घर में उन पे कोई पर्दा भी नहीं लगा हुआ है. तो मतलब ये सारी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं किसको, डेरी को. हु वॉज डेरी, वॉट डिड ही सफर फ्रॉम, डेरी कौन है और वो किस चीज से सफर कर रहा है. डेरी इज अ 14 ईयर ओल्ड, 14 साल का एक छोटा बच्चा है. ही इज अ विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आफ्टर एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्ड एंड बर्न्ड वन साइड ऑफ हिज फेस. एक्चुअली डेरी का ना गाल का जो एक साइड है फेस पे एसिड गिर गया था और वो जल गया था, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत डरावना और गंदा लग रहा था. तो इसी वजह से वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है. नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन इंडिगो. व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स. अब गांधी जी 25% वाले रिफंड के लिए रेडी क्यों हो गए. पूरी बात चिल्ड्रन 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है, 2015 में भी आया. अब तुम समझ लो कितना इंपॉर्टेंट. गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर ए 50% रिफंड टू द फार्मर्स. भाई गांधी जी ने ये बात रखी कि भैया जो बड़े बड़े प्लांटर्स हैं आप किसानों को ना 50% रिफंड कर दो, ठीक है. लेकिन लेकिन उन्होंने ऑफर किया कि हम 25% ही वापस करेंगे, 50% नहीं करेंगे. गांधी जी स्टिल अग्रीड टू देयर ऑफर बिकॉज फॉर हिम द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. लेकिन गांधी जी फिर भी उनकी बात मान गए, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि बात खाली पैसों की नहीं है. मोर इम्पॉर्टेंट वॉज द फैक्ट दैट द प्लांटर्स हैड बीन फोर्स टू सरेंडर. सबसे बड़ी बात थी कि ये किसानों की जीत हुई. पहली बार जो प्लांटर्स हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो झुक गए हैं छोटे छोटे किसानों के आगे. तो वो यहाँ पे ये वाली बात कहना चाह रहे हैं कि बात सारी पैसों की नहीं है, बात है कि पहली बार हमारी जीत की है. और इसी तरह से अगर हम जीत का सिलसिला बनाए रखेंगे तो बहुत जल्दी ही हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स ऑफ चंपारण. अब चंपारण के जो लॉयर्स थे उनको कैसे वो इन्फ्लुएंस कर पाए. गांधी जी क्रिटिसाइज द लॉयर्स फॉर ओवरचार्जिंग द पुअर पीजेंट्स. अब चिल्ड्रन हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स का ये राज चल रहा था, लेकिन हमारे इंडिया के ही जो बड़े बड़े लॉयर थे वो इंडिया के ही छोटे छोटे फार्मर्स का केस लड़ने के लिए बहुत हाई फीस लेते थे. तो गांधी जी ने यार उनको क्रिटिसाइज किया, यार मैंने तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार, तुम अपने ही देश के बिल्कुल गरीब मासूम लोगों से जिनके घर में खाना नहीं है उनसे तुम इतनी इतनी फीस लोगे उनका केस लड़ने के लिए. व्हेन द पीजेंट्स वर सो पुअर इट वॉज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम. और गांधी जी ने उन्हें समझाया यार ये तो इंसानियत के खिलाफ है ना कि यार तुम इतने गरीब लोगों से वो कर रहे हो. तब जाके उनको गांधी जी की बात समझ में आ गई. हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस. शुक्ला को और गांधी जी को कैसे रिसीव किया गया राजेंद्र प्रसाद के घर में 2012 में. शुक्ला एंड गांधी जी वर नॉट वेलकम्ड इन राजेंद्र प्रसाद, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ. एक्चुअली व्हेन दे विजिटेड राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम. एक्चुअली जब वो घर गए तो राजेंद्र प्रसाद थे नहीं घर पे. सो सर्वेंट्स मिस्टर गांधी जी ऑल्सो अ पुअर पीजेंट लाइक शुक्ला. अब जो घर के जो नौकर चाकर थे उनको लगा कि भैया गांधी जी भी एक छोटे मोटे किसान है शुक्ला की तरह, तो उन्होंने उनको कोई भाव नहीं दिया. और गांधी जी की वेशभूषा भी, गांधी जी धोती पहनते थे, तो इस तरह से मतलब उनको पता ही नहीं चला, वो नहीं समझ पाए कि भाई ये बहुत बड़ा लीडर है. वॉट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी. अब गांधी जी की पावर ये थी चिल्ड्रन कि गांधी जी अपनी बातों से सब में बहुत ज्यादा करेजियस और सबको एकजुट कर देते थे, यूनिटी में ले आते थे. तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो गांधी जी पे केस चलाया वो ड्रॉप क्यों कर दिया. इसी क्वेश्चन को 2014 में पूछा गया है. द लेफ्टिनेंट गवर्नर वॉर फोर्स टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी. पूरी लाइन मैंने बिकॉज द लॉयर्स हैड टोल्ड गांधी जी दैट दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल. जितने भी लॉयर्स थे, जितने भी बड़े बड़े वकील थे, वो सब गांधी जी के साथ आ गए और उन्होंने ये कह दिया अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो भैया हम भी जाएंगे. सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉट टू द मजिस्ट्रेट ऑर्डरिंग हिम टू ड्रॉप द केस.
अब भाई साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा इतने सारे वकील अगर एक साथ हो गए पता नहीं कौन कौन सी धारा लगाएगा, कौन क्या करेगा, इससे बढ़िया तो यार इस आदमी को छोड़ दो। तो उन्होंने गांधी जी पे जो केस था वो हटवा दिए। हाउ डिड चंपारण पीजेंट्स रिएक्ट व्हेन दे हर्ड दैट अ महात्मा हैड कम टू हेल्प? चंपारण के जो छोटे छोटे किसान थे बेचारे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उनको ये पता चला कि एक महात्मा आया है, यानी गांधी जी की बात हो रही है, उनकी हेल्प करने के लिए। 2014 में आया है। एज द न्यूज ऑफ गांधी जी अराइवल द पीजेंट्स स्प्रेड आएगा चिल्ड्रन, यहाँ जैसे ही गांधी जी के आने की न्यूज स्प्रेड हुई द पीजेंट्स बिगेन अराइविंग ऑन फुट टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ देयर चैंपियन। भाई सारे के सारे लोग इकट्ठा होने लगे, नंगे पैर ही भागे चले आ रहे हैं ऐसे इंसान से मिलने के लिए जो उनका केस लड़ने आया है, उनके फेवर की बात करने आया है, इसलिए उनको चैंपियन बोला जा रहा है। द लॉयर्स हु हैड रिप्रेजेंटेड द पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट आल्सो केम टू ब्रीफ गांधी जी। और वो जो लॉयर्स थे जो उनका केस लड़ते थे छोटे छोटे किसानों का, वो भी गांधी जी से मिलने आए कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे इनका केस लड़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स। What were the positive qualities of Subbu that the writer admired? 2009 में भी आया है, 2011 में भी आया है, ठीक है? इधर 2009 में दोबारा से घुमा फिरा के पूछा जाता है, हर बार आता है ये question. According account for Subbu's importance in Gemini Studio, Gemini Studios में उसकी क्या importance थी? The writer admired Subbu as he was a multi-talented genius. जो writer है, वो Subbu को इसलिए admire करता था क्योंकि भाई उसमें talent का कूट कूट के खजाना था। एंड गेव अ न्यू डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज, ठीक है, एक नए अलग सिरे पे ले गया वो जेमिनी स्टूडियोज को। Subbu न्यू डिटेल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, उसको फिल्म मेकिंग का भी नॉलेज था, एंड वॉज अ गुड एक्टर, वो अच्छा एक्टर भी था, और यहाँ तक कि वो अच्छा एक राइटर भी था। देख रहे हो, फिल्म मेकिंग भी जानता है, एक्टर भी अच्छा है और राइटर भी अच्छा है। इसके साथ साथ ही वॉज फ्रेंडली, लोगों से बड़े प्यार से बात करता था, एंड कंप्लीटली डिवोटेड टू हिज बॉस मिस्टर वॉसन, और अपने बॉस का वो पक्का चेला था, उनकी कभी भी कोई भी बात को नहीं टालता था। तो ये सारे पॉजिटिव क्वालिटीज थी Subbu की, जिनको राइटर बड़ा एडमायर करता। Why was Subbu considered number 2 at Gemini Studio? अब Subbu को नंबर 2 का प्लेस पे क्यों माना जाता था Gemini Studio में? 2009 में भी आया, 2012, भाई सबसे ऊपर तो उसका मालिक होगा, और मालिक के नीचे अगर कोई था तो वो था भाई साहब Subbu। Mr. Watson was the boss at Gemini Studio. तो Mr. Watson तो हो गए number one, वो boss थे. And Subbu, his right hand man, became the number 2 at Gemini Studio. और उनका जो right hand था, मतलब हर काम Subbu के through करवाते थे वो ही था दूसरे number पे. Subbu was, अब देखो मैंने पूरी ऊपर वाली line copy paste कर दिया. Subbu was a multi-talented genius था. Gave a new direction and definition to Gemini Studio. अभी हमने ऊपर पढ़ा है. Subbu knew details of filmmaking भी आती थी. Good actor भी था, writer भी था. He was friendly and completely devoted to Mr. Watson, उसका जो बॉस था। Why did the author appear to be doing nothing at Gemini Studios? अब जो author का काम था actually newspaper की cutting को काटना था, उसका काम film making से related नहीं था। तो दूसरे लोगों को ऐसा लगता था यार ये तो खाली बैठा रहता है, इस पर तो कोई काम धंधा है ही नहीं। Question 2011 में भी आया, 12 में भी आया। The author's job was to sit and cut newspaper clippings on a wide variety of subject. बस उसका काम ये था कि बस बैठे रहो और अखबार में जो कटिंग्स आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, उनकी कटिंग को अच्छे से फाइल में स्टोर करना। हिज जॉब वॉज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग, उसका जो काम था वो डायरेक्टली फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ नहीं था एट द स्टूडियो में। सो ही अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द जेमिनी, तो इसीलिए दूसरे लोगों को ये लगता था कि भाई ये तो खाली बैठा रहता है, इस पर तो कोई काम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरव्यू। चिल्ड्रन क्वेश्चन 2003 में भी आया है और 2005 में भी आया है। क्या है क्वेश्चन देखिए। Why do most celebrity writer despise being interviewed? Despise का मतलब hate, नफरत करते हैं इंटरव्यू देने से। Celebrities इंटरव्यू क्यों नहीं देना चाहते? What are the views of writers like V.S. Naipaul and Lewis Carroll on interviews? जो celebrities हैं उनके क्या views हैं इंटरव्यू को लेके? Celebrities despise being interviewed, hate, नफरत करते हैं इंटरव्यू देने से। They consider interviews immoral. वो immoral मानते हैं, मतलब खराब कहते हैं। Because they feel interviews disturb their privacy. उनको लगता है कि उनकी जो private life है, personal life है, उसको वो disturb करते हैं interviews. What was unique and distinctive about Eco's academic friendly style? Eco कौन है? Writer है। उनके academic style की क्या speciality थी? 2004 में भी आया। What do you learn about Umberto Eco's distinctive style in his doctoral
यसर सर, तो उनके बारे में, उनके स्टाइल के बारे में आपको बताना है। 2013, उम्बर्तो इकोज अकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज पर्सनल, है ना, पर्सनली लिखते हैं वो, इनफॉर्मल लिखते हैं और प्लेफुल, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ही फिल्स हिज रिसर्च स्टोरीज विद ऑल द ट्रायल्स एंड एरर्स, अपनी रिसर्च स्टोरी को भी वो ट्रायल्स एंड एरर के थ्रू लिखते हैं, सो दैट इवन हिज रिसर्च वर्क हैज द यूनिकनेस, और यहाँ तक कि उनका जो रिसर्च वर्क है ना उसमें भी आपको एक यूनिकनेस देखने को मिलेगी ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग एंड रीडिंग। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ हर कम्युनिटी। बामा एक छोटी बच्ची है, एक बार एक बूढ़े इंसान को देखती है कि वो खाना ले जा रहा है और उसको दूर से पकड़ा हुआ है। वन डे बामा सॉ एन ओल्डरली मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट दैट कंटेन्ड सम ईटेबल्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, बामा को कब पता चला कि हमारे समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है हाई कास्ट और लो कास्ट को लेके। ठीक है, एक बार उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा जो कि कुछ पैकेट ले जा रहे थे जिसमें कुछ खाना था। ही हेल्ड द पैकेट बाय स्ट्रिंग्स विदाउट टचिंग इट, और उन्होंने बड़े दूर से उसको पैकेट को उस जो तनी होती है ना, जैसे कोई बैग होता है ले जाने के लिए तो उसको पकड़ने के लिए, है ना, उसमें जो जगह दी होती है उससे पकड़ रखा था। शी थॉट इट वॉज समथिंग फनी, तो उनको बड़ा हंसी आई, यार ये इसने कैसे पकड़ रखा है। बट अन्ना हर ओल्डर ब्रदर टोल्ड हर दैट मैन वॉज नॉट बींग फनी एंड ही वॉज इनफैक्ट फ्रॉम अ लो कास्ट। तो उनको जब वो ये वाली बात अपने बड़े भाई अन्ना को बताती है तो अन्ना समझाते हैं कि बेटा इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, वो जो आदमी है जो खाना ले जा रहा था गरीब भी है प्लस लो कास्ट से बिलोंग करता है, और ये जो हाई कास्ट वाले लोग हैं ये मानते हैं कि हम इनके हाथ का छुआ हुआ खाना खा भी नहीं सकते, इसलिए उसने बहुत दूर से पैकेट को पकड़ रखा था, बिकॉज ऑफ विच ही कुडंट टच द फूड पैकेट, इसलिए वो डायरेक्टली फूड पैकेट को नहीं पकड़ सकता। Why did landlord's man ask Bama's brother on which street he lived? What was the significance? जो लैंडलॉर्ड आदमी था उसने बामा के ब्रदर यानी अन्ना से ये क्यों पूछा था कि वो कौन सी गली में रहता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 2010 में है। The landlord's man asked Bama's brother on which street he lived, ये पूरा क्वेश्चन से ही उठा लिया, in order to find out his caste, वो बस ये जानना चाहता था कि ये किस कास्ट का, लो कास्ट का हाई कास्ट का है। ड्यूरिंग दोज टाइम्स वेन अनटचेबिलिटी वॉज प्रेवलेंट, जब अनटचेबिलिटी चलती थी, ईच कास्ट लिव्ड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, हर कास्ट की अगल, यहाँ कुम्हार रह रहे हैं, यहाँ पे नाई रह रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मण रह रहे हैं, यहाँ पे छत्री रह रहे हैं, इस तरह से। वॉट डिड जितकला सा फील वेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट, 2011 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिल्ड्रन। जितकला सा को कैसा लगा जब उसके लंबे लंबे बाल काट दिए गए। जितकला सा लॉस्ट हर स्पिरिट, ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस उसने खो दिया। एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज अ पपेट, पपेट होता है एक कठपुतली जो कि किस पे नाचती है, आपने देखा होगा रस्सियों पे, तो वो पपेट की तरह फील किया। शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन एनिमल ड्रिवन बाय अ हर्डर, और उसको लगा जैसे कि वो इंसान है ही नहीं, वो तो एक जानवर है जिसको एक हर्डर, हर्डर देखा आपने, बहुत सारी भेड़ चलती है उसके पीछे गड़ेरिया चलता है, और जैसे एक हर्डर उसको ड्राइव कर रहा हो। एंड डेस्परेटली लुक्ड फॉर सम कंफर्ट, और उसको कुछ कंफर्ट चाहिए था, मतलब वो चाहती थी कि काश उसकी मदर उसके पास हो। शी क्राइड अलॉट, और बहुत ज्यादा वो रोई। हाउ डिड जितकला सा ट्राई टू प्रिवेंट द शिंगलिंग ऑफ हर हेयर, उसने अपने बाल कटवाने से बचने के लिए क्या क्या कोशिश की। 2009 में आया है। शी क्रॉल्ड अंडर द बेड्स एंड हिड हरसेल्फ इन अ डार्क प्लेस, वो बेड के नीचे घुस गई और अपने आप को एक अंधेरे कोने में छुपा लिया। शी कुड नॉट हाइड देयर फॉर लॉन्ग, लेकिन वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए वहां नहीं छिप पाई। एंड वॉज सून ड्रैग्ड आउट, और उसे वहां से घसीट के बाहर निकाल दिया गया। शी रेजिस्टेड बाई किकिंग, उसने लात चलाई, है ना, मतलब पूरी जोर लगाई कि मेरे बाल ना काटे जाए। एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, है ना, खूब चिल्लाई चीखी, नाखून से निशान लगा दिए। बट देन शी वॉज टाइड फास्ट, लेकिन बाद में उसको चेयर पे बांध दिया गया। एंड हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर वॉज शिंगल्ड, और उसके लंबे काले बालों को काट दिया गया जबरदस्ती। नेक्स्ट चैप्टर है चिल्ड्रन गोइंग प्लेसेस। व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जेफ मोर देन एनी अदर पर्सन, सोफी को अपना भाई जो जेफ था वो ही सबसे ज्यादा पसंद था दूसरे लोगों से, क्यों। 2010 में भी आया है। फॉर सोफी हर ब्रदर जेफ वॉज द ओनली पर्सन हु लिसन टू हर फैंटेसीज, क्योंकि सोफी के लिए वो ही एक अलग ऐसा पर्सन था जो उसकी फैंटेसी सुनता था, मतलब फैंटेसीज मतलब उल्टे सीधे ख्वाब, उल्टे सीधे ड्रीम एंड लॉन्ग ड्रीम। शी ओनली ट्रस्टेड जेफ टू कीप ऑल हर सीक्रेट्स टू हिमसेल्फ, और वो ये भी जानती थी कि वो जेफ पे, अपने भाई पे ट्रस्ट करती थी कि जो भी बात मैं इसको बताऊंगी
वो इसको सीक्रेट रखेगा, अपने तक रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। वॉट डिड सोफी टेल जॉफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी? तो सोफी अपने भाई जेफ को क्या बताती है उसकी मीटिंग जो हुई थी डैनी केसी के साथ? क्वेश्चन आया 2010 में। सोफी टोल्ड जेफ दैट शी हैड मेट डैनी केसी। डैनी केसी कौन है? एक बहुत उभरता हुआ, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें विराट कोहली कितना फेमस है, तो यहाँ पे बात हो रही है एक बहुत फेमस फुटबॉलर की जिसका नाम है डैनी केसी। वो कहती है मैं उससे मिली थी एज शी वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन द शॉप विंडो। जब वो कपड़े देख रही थी कपड़ों की दुकान पे एक मॉल में, केसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर। तो पीछे से जो डैनी केसी है वो आया और उसके बराबर में खड़ा हो गया। जेफ डिड नॉट बिलीव हर। हालांकि जेफ को उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं हुआ। व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? अब सोफी की एक फ्रेंड थी जेंसी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को मेरे बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में, डैनी केसी के बारे में कुछ पता चले। क्यों? 2011 में भी आया है और 2015 में। सोफी डिड नॉट वांट जेंसी टू नो एनीथिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी बिकॉज शी न्यू जेंसी वॉज गुड एट स्प्रेडिंग र्यूमर्स। क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता था भाई साहब इसको बता दिया ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगी, ये अपने पेट में कोई बात पचा ही नहीं सकती है, ये स्प्रेड कर देगी। टेलिंग एनीथिंग टू जेंसी वॉज लाइक टेलिंग द होल टाउन। अगर उसको ये बात पता चल गई तो समझ लो कि पूरे के पूरे टाउन को पता चल गई। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कॉमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अकॉर्डिंग टू एम हैमेल डैश वॉज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हैमेल के हिसाब से जो बेस्ट लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच या डच। अपने आंसर में आप ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आपको किस किस सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो चाहिए। प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितने लाइक शेयर आएंगे मैं वैसे ही एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बाय बाय।